ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मंडल समन्वयक चंद्रशेखर पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा ईपीएस 95 की मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद भी पेंशन बढ़ोतरी संबंधी आदेश निर्गत न किए जाने पर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कर्मचारियों के पेंशन कम से कम 7,500 रुपए किए जाएं और उसके साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा निशुल्क प्रदान की जाए। इस अवसर पर विवेकानंद गिरी, सुरेंद्र राय, फौजदार यादव, हरीश चंद उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघर्ष समिति के मंडल समन्वयक चंद्रशेखर पाठक ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें हमारी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम चंद्रशेखर पाठक, समन्वयक मंडल गोरखपुर। पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगियों की ये बैठक है और इसमें केवल रोडवेज के ही नहीं विभिन्न निगमों के ईपीएस 95 से आच्छादित रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 तथा उसके साथ जो देय महंगाई भत्ता है वो दिया जाए। नंबर दो, कि हमारे सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जाए। नंबर तीन, कि जो कर्मचारी 95 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी इस स्कीम के तहत मिनिमम 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। और नंबर चार, कि सेंट्रल ईपीएफ कमिश्नर का जो पेंशन देने के लिए आदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था उस पर रोक लगाया है, उसको उसकी बहाली की जाए। ये चार बिंदुओं पर हम लोगों का संघर्ष चल रहा है विभिन्न जनपदों में, मंडलों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी।